हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 13, दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, और एक्सरसाइज 13.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 13.2 एक्सरसाइज आप लोगों के सामने आ गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हैवी स्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एक सॉलिड है जिसमें एक कॉन है और वो कॉन हैवी स्फीयर के ऊपर है और दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू रेडियस, और कॉन की जो हाइट है वो रेडियस यानी कि 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई के टर्म्स में सॉलिड का वॉल्यूम पता करना है, यानी कि पाई की वैल्यू हम लोग पुट नहीं करेंगे। चलिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ये एक कोन हम लोग बना रहे हैं पहले, और बेस पे लगा हुआ है हेमिस्फीयर। Like this. चलिए, जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, और जो हाइट है कोण की वो भी 1 सेंटीमीटर दी हुई है। तो वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस इक्वल है इसलिए स्मॉल आर यूज कर रहे हैं। पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन निकाल ले तो एच प्लस 2 आर हमारे पास रह जाएगा। अब रेडियस भी 1 है और हाइट भी 1 है, 2 × 1 2, सो पाई अपॉन 3, 2 + 1 3, दैट इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। और इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन डन हो गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। क्लियर करते हैं और सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रशेल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्ट टू मेड अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद टू कॉन्स अटैच्ड टू इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्युमिनियम शीट। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है रशेल, उनको बोला गया है कि एक मॉडल तैयार करना है जिसकी शेप सिलेंडर जैसी हो और एंड्स पे दो कॉन अटैच किए हैं थिन एल्युमिनियम शीट का यूज करके। डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। जो मॉडल का डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है और टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेशल मेड। तो रेशल ने जो मॉडल बनाया है उसके अंदर एयर कितना वॉल्यूम है वो आपे पता करना है। अज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। आउटर और इनर डायमेंशन हम लोगों ने सेम अज्यूम करने हैं। चलिए पहले तो हम लोग एक मॉडल तैयार करते हैं, सिलेंडर बनाना है हम लोगों को। दिस इज सिलेंडर, और दोनों साइड पे अपन ने बनाना है कोण।
तो ये कौन फर्स्ट बन गया और ये कौन सेकंड तैयार हो गया। उसके बाद हमने बोला है कि जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो आपके पास डायमीटर दिया हुआ है कौन या फिर सिलेंडर का, दैट इज 3, और जो टोटल लेंथ दी हुई है दैट इज 12। 12 है ना। कोन की भी हाइट दी हुई है, कितनी दी हुई है हमें, 2। कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से, 2 सेंटीमीटर यहाँ से। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे, डायमीटर ऑफ कॉनिकल पार्ट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हमें रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस आपको पता है डायमीटर का हाफ होता है। नाउ अब जो हाइट है, जो कोन की हाइट है वो हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर, और जो हाइट सिलेंडर की है हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, टोटल हाइट में से कोन की हाइट माइनस कर दो, क्योंकि 2 कोन है तो 2 बार हम लोग माइनस करेंगे 2, तो दिस इज कम आउट एज 8 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल, तो यानी कि हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि 2 कोन लगे हुए हैं तो 2 वॉल्यूम निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिलेंडर का वॉल्यूम भी कैलकुलेट करेंगे। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच ट्वाइस, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर सेम क्यों लिया, क्योंकि रेडियस दोनों के लिए सेम है लेकिन हाइट डिफरेंट है, तो सिलेंडर की हाइट को मैंने स्मॉल एच अज्यूम कर लिया और कोन की हाइट को मैंने कैपिटल एच अज्यूम कर लिया। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एच प्लस 2/3 एच, ये हमारा बाहर आ गया, कॉमन मतलब अंदर है गया। पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 22/7, रेडियस 3/2 है, हाइट सिलेंडर की हाइट 8 है और कोन की हाइट 2 है, ये यहाँ पे कट कर दो, तो 99/14, 8+4/3, ट्वेंटी फोर प्लस फोर 28/3, तो 33 × 2 दैट इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आंसर आ गया है वॉल्यूम ऑफ एयर, कि एयर का वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज 66 सेंटीमीटर क्यूब, और सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का डन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में
गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिर्फ अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन में जो चाशनी होती है वो उसके वॉल्यूम का 30% हिस्सा है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिर्फ वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। पता करें कि 45 गुलाब जामुन में कितना चाशनी होएगा। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर, जो गुलाब जामुन की शेप है वो सिलेंडर जैसी है, विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स, और दो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं एंड्स पे, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ गुलाब जामुन की 5 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है और फिगर में आप लोगों को दिखाया गया है। चलिए पहले एक गुलाब जामुन बना लेते हैं अपन। एक्चुअली ये चमचम की बात हो रही है, चमचम होती है जैसे उन्होंने बोला है। दिस इज सिलेंड्रिकल पार्ट। और अब लगाने हैं दो हेमिस्फीयर। लाइक दिस। जो टोटल लेंथ है दैट इज 5 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया हुआ है हमें 2.8। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पहले तो डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट दैट इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। अब हमें कैलकुलेट करना है रेडियस, तो रेडियस निकालेंगे हम लोग। और रेडियस के लिए अपॉन 2 कर दो तो 1.4 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कैसे निकालेंगे। टोटल लेंथ में से 2 गुना करेंगे किसकी लेंथ, हेमिस्फेरिकल पार्ट की लेंथ को। डेप्थ भी बोल सकते हो, हाइट भी बोल सकते हो, क्योंकि 2 लगे हुए हैं। टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है जो हाइट है या लेंथ है हेमिस्फेयर पार्ट की वो उसके रेडियस के इक्वल होती है, तो दैट इज 1.4। तो यानी कि 1.4 को 2 से पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 2.2 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया, दैट इज लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। चलिए अब अपन निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, तो उसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच।
मल्टीप्लाई बाय हेमिस्फेयर का 2/3 पाई, रेडियस सेम है तो इसलिए स्मॉल आर ही यूज कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एच प्लस 4/3 आर, वैल्यू पुट कर दो, रेडियस 1.4 है तो 14/10 लिख देंगे 2 बार, हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 2.2 है और स्मॉल रेडियस की वैल्यू 1.4 है। मल्टीप्लाई करते हैं, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 44, और 44 की 14 से 616 अपॉन 100 56/30। ये अभी हम लोग एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। स्क्रीन थोड़ी क्लियर कर लेते हैं। चलिए 616/100, 30 विल बी दी एलसीएम, 66 प्लस 56 3000 मल्टीप्लाई बाय 122, तो 616 की 122 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3000, तो ये अपने को सोल्व करके आ रहा है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक वॉल्यूम, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है। अब जो शुगर सिर्प है या जो चाशनी है वो कितना परसेंट है, 30% है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन में शुगर सिर्प तो का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर 45 से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए लिखते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ शुगर सिर्प इज इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, 30/100 इंटू 25.05। तो जब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये बन गया 7.515 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक गुलाब जामुन में इतना शुगर सिर्प आया है। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिर्प इन 45 गुलाब जामुन, तो 45 मल्टीप्लाई करेंगे 7.515 से, तो आई एम गेटिंग 338.175। तो ये आपका आंसर आ गया, इतनी चाशनी है 45 गुलाब जामुन के अंदर वॉल्यूम चाशनी का। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपका डन हो गया। पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल दिया, फिर उस गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिर्फ है, फिर 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेंस। फिगर में आप देख सकते हो एक पेन स्टैंड बनाया गया है लकड़ी का, क्यूबॉइड की शेप है, मतलब LPH इक्वल नहीं है आपस में। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 15/10/3.5। लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको दे दी है इस स्टैंड की। रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर यहाँ पे लिखा भी हुआ था 4 कॉनिकल डिप्रेशन किए गए हैं ताकि पेन वहां पे स्टैंड बाय हो सके, तो
और इन कॉर्निकल डिप्रेशन का जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है और डेप्थ या हाइट 1.4 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, और अब इसमें कितना वुड है उसका वॉल्यूम पता करना है। चलिए सबसे पहले तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड स्टैंड। क्यूबॉइड स्टैंड का जो वॉल्यूम है वो पता करेंगे। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ गया है 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास चार कॉनिकल डिप्रेशन है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक कॉनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। कौन का वॉल्यूम आपको पता है, 1/3 πr² h होता है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें दिया हुआ है 0.5 एंड डेप्थ इज 1.4। 0.5 और 1.4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 22 की मल्टीप्लाई 50 से डिवाइडेड बाय 3000, दो जीरो कट हो जाएंगी, 11/30। ये एक का आया है अपने पास। टोटल कॉनिकल डिप्रेशन चार है, तो 4 से क्या करते होगे, एक के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते होगे। 22/50 1.47 आप लोगों का आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है आपने, तो क्यूबॉइड स्टैंड के वॉल्यूम से चार कॉर्निकल डिप्रेशन का वॉल्यूम माइनस कर दो। चलिए क्यूबॉइड का है अपने पास 525 और चार कॉर्निकल डिप्रेशन का है 1.47, तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया है, और क्वेश्चन नंबर 4 आपका डन हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।